क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का, किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। के बीच सिर्फ इंसानों की बस्तियां हैं, या कोई है जो दिखाई नहीं देता, बस महसूस होता है। आवाजें सुनाई देती है वहां पर, चिल्लाने की आवाज होती है, कभी कभी दिन में भी आवाज आती है। यह कहानी है उत्तराखंड के एक बेहद सुनसान इलाके की, जिसका खौफनाक अतीत पिछले 20 साल से लोगों को डरा रहा है। कभी उन खामोशियों में कोई चीख गूंज उठती है, कभी कोई आवाज राहगीरों से मदद मांगने लगती है। कहानी देश के सबसे डरावने खंडहर की। मेरी मदद करो, कोई बोलता है यहाँ से मेरे को निकालो, ऐसे ऐसे आवाज सुने। कहानी उत्तराखंड की लंबी देहर माइन की, जिसके खौफनाक किस्से इंटरनेट पर भरे पड़े, जिसका नाम देश की 10 सबसे डरावनी जगहों में शुमार है। देश की सबसे बड़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ IBN 7 शुरू करने जा रहा है उस खौफनाक खंडहर की बहुत बड़ी पड़ताल। हमारे साथ कुछ ऐसी मशीनें होंगी जो हिंदुस्तान में पहली बार आजमाई जाएंगी, ऐसे प्रयोग होंगे जो इससे पहले किसी टीवी कैमरे पर नहीं किए गए। क्या कोई यहाँ आसपास में है? क्या भूत प्रेत वाकई होते हैं? क्या ये सब कुछ सिर्फ लोगों का वहम है? क्या उस खंडहर में वाकई कोई अनदेखी ताकत है, या ये सब कुछ सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है? आज पूरा देश देखेगा कि क्या हिंदुस्तान का वो सबसे डरावना खंडहर वाकई डरावना है। लाइट जो जलने का टाइमिंग है और इन पे कोई अगर स्पाइक आता है, अगर वो मैच करता है, तो एक ये बहुत ही मतलब ऑथेंटिक एविडेंस मान सकते हैं। क्या उस बंगले से जो आवाजें सुनाई देती हैं, वो वाकई किसी अनजान साए की है? क्या उन जंगलों में जो परछाई दिखाई देती है, वो वाकई कोई आत्मा है? सच और वहम के बीच मौजूद एक बरसों पुराना रहस्य आज बेनकाब होने वाला है। आधी हकीकत आधा फसाना, भूत प्रेत, अनजान साए, रूहानी ताकतें, सुनने में ये कहानी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या सच्ची भी होती है? हम और आप इन बातों को नहीं मानते, लेकिन क्या आप पूरे यकीन के साथ उन कहानियों को खारिज कर सकते हैं? देश की डरावनी जगहों की पड़ताल पहले भी देखी होंगी आप, लेकिन यह कहानी जो आज हम आपको सुनाने वाले हैं, हमारे लिए भी एक चुनौती बन गई। देश की सबसे खूबसूरत वादियों के बीच एक ऐसी जगह जिसके डरावने किस्सों की इंटरनेट पर कोई कमी नहीं। पहाड़ों की रानी मसूरी से 8 किलोमीटर दूर चूने पत्थर की एक खान, यानी लंबी देहर माइन, जिसे कुछ लोग लंबी धार भी कहते हैं, जहां हजारों मजदूरों की मौत हुई थी। लोग मानते हैं कि उस खान का अतीत कुछ परछाइयों में आज भी जिंदा है। तो चलिए दुनिया के सबसे आधुनिक उपकरणों, देश की सबसे बड़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ तलाशते हैं कि उन कहानियों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना। राजस्थान का किराड़ू मंदिर
जहां हमारे साथ कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई। ओए, क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ? कोई है? लाइट लगाने आया तो सामने मैंने देखा कोई है। पिथौरागढ़ का एक बंगला जहां की पड़ताल हमारे लिए भी एक पहेली बन गई। क्या यहां पर कोई है जो हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है या अपना कोई संदेश या कोई बात हम तक पहुंचाना चाहता है? मेरे सीधे हाथ पर एक मशीन रखी है, उसमें लाल लाइट जल रही है। जहां हमें एक ऐसी तस्वीर दिखाई दी जिसका पैरानॉर्मल टीम के पास भी कोई जवाब नहीं था। कोलकाता की वो इमारत जहां हमारी मशीनों पर कुछ रहस्यमय आवाजें कैद हुईं। अगर कोई भी मुझे सुन सकता है आप बिल्कुल मत डरिए, हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। कोई है? ये आवाज चार लोगों ने सुनी है, एक महिला की आवाज जिसमें कहा गया कोई है, और शायद अगर ये रिकॉर्ड हुई होगी तो आप भी सुन पाएंगे कि क्लियर इंटेलिजेंट आवाज थी जिसने कहा कोई है। 300 साल से वीरान वो घर भी जहां एक महिला की आवाज ने हमें भी हैरत में डाल दिया था। लड़की की आवाज? क्या इस बार भी हमारे साथ कुछ वैसा ही होने वाला है या शायद उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक? फिर सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन सच की तलाश के बिना हम वापस नहीं आएंगे। ये सफर था उत्तराखंड की सबसे दिलकश वादियों का, पहाड़ों की रानी मसूरी। इन नजारों से आपकी यादें भी जुड़ी होंगी, लेकिन हम सोच भी नहीं सकते थे कि इन वादियों के बीच कोई ऐसी जगह भी है जहां रात के अंधेरे में क्या दिन के उजाले में भी इंसानों के कदम नहीं पड़ते। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और अगर आप अब तक ना पहचाने हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं मौजूद हूं पहाड़ों की रानी मसूरी में। मुझे यकीन है कि आप यहां घूमने आए होंगे और आपके ही जैसे लाखों टूरिस्ट हर साल यहां का लुत्फ उठाने आते हैं, लेकिन आज मैं आपको मसूरी घुमाने नहीं लाया हूं, बल्कि मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर चलूँगा जो 20 साल से वीरान पड़ी है और जो इंटरनेट पर हिंदुस्तान की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। हमें जाना था मसूरी के मॉल रोड से करीब 8 किलोमीटर दूर लंबी देहर माइन। सैलानियों को उस जगह की कोई भनक नहीं, लेकिन मसूरी में रहने वाला हर शख्स उस खौफ को बेहद करीब से महसूस कर चुका है। कुछ लोग तो ये दावा भी करते हैं कि उन्होंने उस दहशत को अपनी आंखों से देखा है। बेटा, क्या नाम आपका? अरुण कुमार। अच्छा अरुण, लंबी देहर जाना है, कहाँ से है रास्ता? रास्ता तो यहीं से होगा। उधर से क्यों जाना है? अरे हम ऐसे ही, वहाँ पे सुना है ना बहुत कुछ होता रहता है। सर वो तो रास्ता बंद हो रखा है। क्यों बंद है? वहाँ डराते हैं लोग। क्या भूत है? जी। अच्छा, तो इसलिए रास्ता ही बंद है? जी। तो गाड़ी नहीं जा पाएगी? जी नहीं, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। पैदल जाना पड़ेगा? तो कहां से होगा रास्ता? सर रास्ता यहां से, चलो मैं आपको दिखा देता हूं। ये बच्चा इसी गांव का रहने वाला है, लेकिन इस कच्ची उम्र में भी उस डरावनी कहानी के बहुत से किस्से जानता है। रात को 9 बजे के बाद, 4 बजे से पहले, तब उन्हें डराते हैं यहां पे, या फिर वो जिंदे चल जाते हैं या फिर जाते नहीं कभी नहीं। अब जैसे कोई बोलता है मेरी मदद करो, कोई बोलता है यहां से मेरे को निकालो, ऐसे ऐसे आवाजें सुनाई देती है। पहाड़ी के अगले ही मोड़ से हमें अपनी मंजिल की पहली झलक दिखाई दी। धुंध की चादर में लिपटा एक पुराना खंडहर जैसे किसी बहुत बड़े रहस्य को समेटे खड़ा था। देखने में यह सब कुछ किसी फिल्मी सेट जैसा था, लेकिन उसकी कहानियों की दहशत मीलों दूर तक महसूस हो रही थी। उस इमारत तक जाने वाली सड़क को यहाँ के लोगों ने खुद बंद कर दिया है ताकि उस खौफ और इंसानों के बीच फासला बना रहे, इसलिए आगे का रास्ता पैदल ही तय करना था।
पास में ही एक गांव है। सोचा लंबी देहर माइन का इतिहास और दहशत की कहानियां इनसे बेहतर कौन बताएगा। यहां आए तो पता चला कि लंबी देहर माइन दरअसल चूने पत्थर की खान थी, जहां 50,000 से ज्यादा मजदूर काम करते थे। अंग्रेजों के जमाने की ये खान 1996 में बंद हुई। वजह थी यहां होने वाले हादसों की गिनती, जो हर साल बढ़ती जा रही थी। हमें बताया गया कि उस खान में हजारों मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन जालिम ठेकेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ा। 1996 में 12 बजे 26 जनवरी को 12 बजे बंद हो गई थी, काम बंद हो गया बिल्कुल। जिन्होंने जो है कार्यकर्ता जो थे यहाँ, जिनका टेबल में पेन था वो पेन भी वहीं पर छोड़ दिया, जूता था जूता जो खुला हुआ था वहीं पर रख दिया, वो अपने चल दिए बेचारे। लोग बताते हैं कि इस खान के आसपास आए दिन हादसे होते हैं। कभी कोई ट्रक अचानक खाई में समा जाता है, तो कभी कोई गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाती है। कभी कभी आदमी को पता नहीं क्या हो जाता है और कार को रॉन्ग साइड में लगा देते हैं और ठोक देते हैं। लोग मानते हैं कि ये सब कुछ वहां भटकने वाली रूहानी ताकतों का असर है। रूहानी ताकतें यानी वो मजदूर जो इस खान में बेमौत मारे गए थे। जैसे आवाज चिल्लाने की आवाज होती है या भागता हुआ कोई, मतलब नजर तो कुछ नहीं आता, जैसे भागता हुआ झाड़ी की सरसराहट से इस तरह से मतलब सुनाई देता लोगों को। काफी लोग जो घूमने के लिए जाते हैं सर, वो भी कुछ महसूस करते हैं, जो वहां से मतलब डरे हुए रहते हैं। जितने मुंह उतनी बातें। लोग बता रहे थे कि दिन के उजाले में भी यहाँ कुछ रहस्यमय आवाजें सुनाई देती हैं और अक्सर कोई परछाई निगाहों के सामने भी आ जाती है। वो रात को चिल्लाता भी है, हाय माँ हाय माँ बोल के बोलता है। हमारे ये परिवार के सभी जाते हैं उधर, मतलब घास लकड़ी के लिए, हमारा उधर ही है, तो कभी कभी दिन में भी आवाज आती है। हम हैरान थे कि विज्ञान मंगल तक पहुंच गया, लेकिन कुछ लोग आज भी भूत प्रेत की बातों पर यकीन करते हैं। इन कहानियों को अफवाह समझकर हम मंजिल की तरफ बढ़ चले। आने वाले हर खतरे से अनजान, हर दहशत से बेखबर। कुछ ही देर बाद हमारी मंजिल हमारे सामने थी। एक खंडहर जो कभी इस खान का प्रशासनिक भवन था, जहां हर वक्त हजारों मजदूर चहलकदमी किया करते थे, लेकिन अब अतीत और वर्तमान के बीच एक कड़ी बनकर रह गया है। खंडहर बता रहे हैं कि इमारत बुलंद थी। मेरे पीछे जो इमारत आपको नजर आ रही है वो लंबी देहर माइंस का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। कभी यहाँ पर हजारों लोग काम किया करते थे, लेकिन पिछले 20 साल से ये इमारत इसी तरह से वीरान पड़ी है, यहाँ कोई नहीं आता। जैसे जैसे इसकी वीरानगी बढ़ती जा रही है, वैसे ही वैसे इस इमारत से जुड़े किस्से और कहानियाँ भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आप इंटरनेट पर लंबी देहर माइंस टाइप करिए और आपको हजारों कहानियाँ पता चल जाएंगी। आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये हिंदुस्तान का सबसे हॉन्टेड जगह है। इस खंडहर में हमारे लिए पहला खतरा वो अनजान साए नहीं थे, बल्कि वो तेंदुए थे जो आसपास के जंगलों में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस खंडहर का इतिहास और उससे जुड़ी खौफनाक कहानियों को समझने के बाद इतना साफ था कि इसके रहस्य को तलाशने के लिए हमें बेहद आधुनिक मशीनों की जरूरत होगी, कुछ ऐसी जो हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं आजमाई गई। आखिर इन सारे किस्सों की हकीकत क्या है? क्या है लंबी धार माइंस में डर का असल सबब? कहां से पैदा होता है ये खौफ? ये मैं खुद नहीं पता लगा सकता। इसको पता लगाने के लिए हमारे पास एक प्रोफेशनल टीम है, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ये पता लगाएगी और आज आपके सामने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी टेस्ट होगा।
इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी यानी देश की सबसे बड़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो इससे पहले भी लंबी देहर माइन की पड़ताल कर चुकी है और उस पड़ताल में एक चौंकाने वाला सच भी सामने आया था। वकार राज जो इस टीम के चीफ इन्वेस्टिगेटर हैं, रश्मि, रजत, सिद्धार्थ और तथागत, जिनके पास कुछ ऐसे विदेशी उपकरण हैं, कुछ ऐसे कैमरे हैं जिन्हें इससे पहले हिंदुस्तान में कभी नहीं आजमाया गया। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस आपने टेलीविजन पे बहुत देखे होंगे, लेकिन आज मैं दावा कर सकता हूं कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशन इंडिया में शायद पहले नहीं हुई होगी, और नहीं हुई तो आपने देखी भी नहीं होगी। इक्विपमेंट्स देखिए किस तरह का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लंबी देहर माइंस जो है ये एक बहुत बड़ा एरिया है, और इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। राज हमको बताएंगे, राज हम किस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सोहेल जी, ये मेरी तीसरी विजिट है यहाँ पे। हमारे दो विजिट में हमें एविडेंसेस यहाँ मिले थे, जिससे ये सजेस्ट कुछ हुआ था कि यहाँ पे एनर्जी जो है आउटस्टैंडिंग है। इस बार हमने किया क्या है कि हर तरह के गैजेट्स, ईएमएफ के बहुत सारे गैजेट्स हैं हमारे पास उसको मेजर करने के लिए, कैमरास हमारे पर हर तरह के हैं, क्रॉस स्पेक्ट्रम है, फुल स्पेक्ट्रम है, आईआर है, मोशन डिटेक्शन के लिए अलग इक्विपमेंट्स हैं। लेकिन सबसे अहम चीज मैं आपको बता दूं, जो पहले कभी नहीं हुआ होगा, इस पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ हम लोग सीसीटीवी कैमरास माउंट करेंगे। सीसीटीवी कैमरास लगाने से क्या फायदा होगा? सीसीटीवी कैमरास लगाने से ये फायदा होगा कि बहुत सारे जो कैमरास होते हैं वो हैंडहेल्ड होते हैं, और अगर उस पर कुछ माइन्यूट सा भी एविडेंस आ जाता है तो उसे बाद में जज करना मुश्किल हो जाता है कि ये हमारे हैंड के मूवमेंट से था या किसी शेडो के कारण था। लेकिन सीसीटीवी कैमरा जो स्टेशनरी होता है, अगर उस पर कुछ दिखता है तो वो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है हमारे थ्योरी को। टीम के सदस्यों ने इस खंडहर की अलग अलग जगहों पर करीब 6 सीसीटीवी कैमरे लगाने शुरू कर दिए। यानी रात के अंधेरे में यहां जो कुछ भी होगा वो कैमरे की नजर के सामने होगा। लंबी देहर के इस फसाने में कितनी हकीकत है, यही जानने के लिए हम पिछले कई घंटों से यहां पर मशक्कत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम हमारे साथ है, जगह जगह कैमरास लगाए जा रहे हैं और बहुत सारी और चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत अजीब लगी वो है रश्मि के हाथ में डॉल। अब जाहिर है गुड़ियों से खेलने के लिए तो आप इस वीराने में आई नहीं होंगी, और ना ही शायद आपको गुड़ियों से खेलने का शौक होगा, तो ये डॉल करती क्या है? एक्चुअली होता क्या है इस डॉल के साथ, कोई भी आईआर लाइट, आईआर या ईएमएफ या फिर कोई भी स्लाइट मूवमेंट इसके सामने से गुजरेगी, ये डॉल हंसने लगती है। अच्छा, कैसे? जैसे यहाँ बटन हमने ऑन किया, अब जैसे इसको हल्का पुश करेंगे तो ये ऐसे भी काम करेगा। ये तो अभी हमने इसको टच किया, हमने क्या करते हैं, हम इसे ऑन करके इसे हम कहीं किसी जगह पे रख देंगे। जैसे अगर हम इसे यहाँ रखेंगे, इसके एरिया में जो भी लाइट अगर कोई भी गुजरेगा, ईएमएफ या आईआर या आपकी मूवमेंट सामने से होगी, तो ये गुड़िया बोलने लगेगी। मशीनों को सजाते सजाते शाम ढलने लगी, और वो वक्त करीब आने लगा जब हमारा सामना उस बरसों पुरानी दहशत से होने वाला था। दिल में एक डर भी था, जैसा कि अगर यहाँ कोई है, लेकिन एक बेकरारी भी कि शायद कई दशक पुराना वो खौफ आज हमारी एक कोशिश से बेनकाब हो जाए। आधी हकीकत आधा फसाना। अक्सर अनजान सायों से जुड़ी कहानियां सिर्फ अफवाहों से बुनी जाती, लेकिन कुछ ऐसी भी होती जो विज्ञान की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाती। उत्तराखंड के मसूरी में हम भी ऐसी एक कहानी का सच तलाश रहे हैं। इस तलाश में हमें देश की सबसे बड़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ साथ कुछ ऐसे विदेशी उपकरणों का सहारा भी लेना पड़ा जो इससे पहले हिंदुस्तान में कभी इस्तेमाल नहीं हुए। आने वाले हर खतरे से अनजान हमारी टीम ने लंबी देहर माइन की पड़ताल शुरू की, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ शायद उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।
आखिर ऐसा क्या है उस खंडहर में? क्या लंबी देहर माइन में अनजान साए को देखने का दावा करने वाला हर शख्स झूठ बोलता है, या वहां वाकई कुछ है, कुछ ऐसा जिसका जवाब आज तक नहीं मिला, कुछ ऐसा जिसने इस खंडहर को देश की सबसे डरावनी जगह बना दिया। यहां हम जो कुछ भी करने वाले थे वो विदेशों में पहले भी आजमाया जा चुका है, जहां कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया। स्वीडन में एक 8 दशक पुराना खंडहर, जहां पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ ऐसा दिखा जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उनके थर्मल कैमरे पर एक रहस्यमय छाया कैद हुई। लेकिन इससे पहले कि वो लोग इस तस्वीर का रहस्य तलाशते, उनके हाथों से वो मशीन फिसल गई, कुछ ऐसे जैसे किसी ने छीन ली हो। अमेरिका के एक म्यूजियम में अनजान ताकतों की अफवाहें उड़ी। पैरा वैज्ञानिकों की एक टीम आधुनिक उपकरणों के साथ जांच करने पहुंची। एक ऐसे उपकरण का सहारा लिया गया जो किसी अनजान ऊर्जा को कैद कर सकता था, जिसमें कुछ अजीबोगरीब हरकतें दिखाई दी। सोफे पर बैठी एक वैज्ञानिक के पीछे कोई रहस्यमय आकृति दिखाई देने लगी। शोध आगे बढ़ा तो वैज्ञानिकों ने उस आकृति को महसूस करने का दावा किया, जैसे वो परछाई खुद उनसे संपर्क करना चाहती थी। विदेशों के कुछ वैसे ही उपकरणों के साथ बारी अब मसूरी की लंबी देहर माइन का राज तलाशने की थी। शाम ढल चुकी थी, खंडहर की दहशत इन खामोशियों में भी गूंज रही थी। हम मौजूद हैं लंबी धार माइंस में। सूरज डूब चुका है, अंधेरा हो चुका है, यानी वो वक्त हो गया है जिसके बारे में गांव वालों ने हमें बहुत सारी बातें बताई। आवाजें सुनाई देती हैं, परछाइयां दिखाई देती हैं, और राज क्योंकि यहाँ पर पहले भी एक बार इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, राज आपने गांव वालों से और किस तरह की बातें सुनी? गांव वालों ने हमें ये बताया था, उनका जो सबसे मेजर कंसर्न था वो कहते थे कि यहाँ भूत है और यहाँ पर मतलब कई तरह की रहस्यमय ताकतें हैं। सबसे बड़ा जो उनका कहने का एक जो एक बात आई थी हमारे सामने कि हम जहाँ खड़े हैं इसके पीछे काफ़ी ऊँचा हिल है, तो हर मूनलाइट को चांदनी रात के दिन वहाँ से चुड़ैल उतर कर आती है और चुड़ैल ने कई एक्सीडेंट्स करवाई है, उनका मानना था। बट हमारा जो आज इन्वेस्टिगेशन का जो एंगल है, यह हम एनर्जी ढूंढने के लिए आए हैं कि यहाँ कोई इंटेलिजेंट एनर्जी है या नहीं। ये सब सिर्फ महज लोगों की सोच होती है या उससे आगे कुछ और आपको आज तक मिला है? लोगों को जो दिखता है, जो बातें इंसान सुनता है किसी के थ्रू, यहाँ जब तक मैं मानती हूँ कि अगर मैं पर्सनल खुद से एक्सपीरियंस ना कर लूँ तो वो बातें मैं नहीं मानती। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक बात आपको बता दूं कि राज के मेंटोर थे, इस फील्ड में लाने वाले थे गौरव तिवारी, जिनका कुछ वक्त पहले देहांत हो गया, और क्योंकि राज उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं तो उस बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सर, इस उस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि गौरव जी जिस फील्ड में हमें लेकर आए, सिर्फ मैं ही नहीं, आज मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अगर ये फील्ड ज़िंदा है, काफ़ी लोग अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो मैं मानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ उसका कारण गौरव तिवारी जी हैं। तो 6 CCTV कैमरास चारों तरफ लगे हुए हैं, उनके आउटपुट हम अभी आपको दिखाएंगे, और हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास ये वॉकी टॉकी सेट्स हैं। ये सब जो कुछ आप टेलीविज़न पे देख रहे हैं या आप पहली बार देख रहे हैं, इस तरह से हिंदुस्तान में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था। पड़ताल शुरू हुई। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सदस्य खंडहर के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। यहाँ के कई इलाके ऐसे हैं जहां रहस्यमय आवाजों की कई कहानियां सामने आई हैं, इसलिए उन जगहों पर हमें कुछ नए उपकरणों को आजमाना होगा। राज कुछ इक्विपमेंट्स लाए हैं, राज ये बताइए है क्या? ये जो आप हमारे हाथ में ये देख रहे हैं, ये ट्राई एक्सिस EMF मीटर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये हर डायरेक्शन से जो EMF आ रहा है उसे मेजर कर सकता है। काम यही K2 भी करता है, K2 मीटर ये है। K2 भी काम ये करता है, लेकिन ये सिंगल एक्सिस मीटर है, तो अगर इस पर किसी तरह का स्पाइक आता है तो इसे उतना रिलायबल नहीं लिया जा सकता, उसके कई रीजंस होते हैं उसको डिस्कार्ड करने के। राज ने तय किया कि इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत
एक EMF सेशन के साथ होगी। EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर हमारे आसपास इंसानों के अलावा कोई दूसरी ऊर्जा भी मौजूद है तो ये मशीन उसका पता लगा सकती है। मेरा नाम राज है और जैसा कि अगर यहाँ कोई है तो शायद उसे पता लग गया होगा कि ये मेरा दूसरा विजिट है यहाँ पे। आज मैं यहाँ पे ये जानने के लिए आया हूँ कि यहाँ पे मैंने सुना है कि कई लोग जिनकी डेथ हुई उनकी मौजूदगी है, तो ये मैं जानने के लिए आया हूँ कि ये सही बात है या गलत बात है। क्या आप यहाँ मौजूद हैं कोई भी? अभी तक मेरे इतने मतलब कम्युनिकेशन अटेम्प्ट के बाद भी जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि EMF में कुछ इसमें चेंजेस नहीं है, तो फिलहाल तो ये रूल आउट कर देते कि फिलहाल हम जो कर रहे हैं सेशन में यहाँ पे कुछ हमें मिला है या ऐसी कोई एनर्जी है, तो इसे बंद करके अब हम कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। खंडहर के दूसरे हिस्से में हमने एक बार फिर EMF सेशन शुरू किया, लेकिन इस बार जो कुछ भी दिखा शायद हम उसी की तलाश में यहाँ आए थे। क्या यहाँ हमारे आसपास में कोई है जो हमसे बात करना चाहता है? हमारे सामने यहाँ बहुत सारे गैजेट्स हैं, उसके थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं। यहाँ K2 रखा है, अगर आप K2 के सामने से गुजरेंगे तो ये लाइट जलेगी। अभी स्टिल एक लाइट जल रही है, क्या आप दूसरी बत्ती जला के दिखा सकते हैं? हमने सुना है यहाँ बहुत सी मौतें हुई हैं, क्या बता सकते हैं आप कौन हैं? आप महिला हैं, पुरुष हैं? कुछ देर बाद ही K2 मीटर पर हमें 3 से 4 बत्तियां दिखाई देने लगी, जिसका मतलब था कि यहाँ हमारे अलावा भी कोई ऊर्जा जरूर है। क्या हमारे लिए आप एक बार मोशन सेंसर लाइट ऑन कर सकते हैं, ताकि हम ये मान लें कि आप हमसे बात करना चाहते हैं? लाइट जली। थैंक यू। आप ये बता सकते हैं आप महिला हैं या पुरुष हैं? अगर आप महिला हैं तो K2 में दूसरी, और अगर आप पुरुष हैं तो तीसरी बत्ती जला करके दिखाएं। और तभी पास में रखे मोशन सेंसर पर भी लाइट जली। राज की टीम के मुताबिक यह इशारा था कि वो अजनबी ऊर्जा इस मशीन के सामने से गुजरी है। राज, कम इन राज। राज, यहाँ पर मोशन सेंसर्स बार बार जल रहा है और ये K2 मीटर मोशन सेंसर चल रहा है, आप आ सकते हैं क्या? बहुत देर के बाद इतनी रोशनी में हम आए हैं और आंखें बिल्कुल खुल भी नहीं पा रही हैं इस रोशनी में। तो ये जो मोशन सेंसर अभी जला, दो तीन बार मोशन सेंसर जला, तो व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये हो सकता है जैसे कि अभी मैंने इस पर स्पाइक्स देखा, जब सर आप बात कर रहे थे तो मैंने इस पर 3 स्पाइक्स देखा, तो ये इंडिकेट करता है कि ये यहाँ पर कुछ तो EMF है। अब वो हमें देखना है कि वो EMF हमारे किसी डिवाइस से आ रहा है या वाकई में वैसे सोर्स से आ रहा है जिसके लिए हम आए हैं। बारी अब खंडहर के सबसे डरावने हिस्से को खंगालने की थी। प्रयोग बड़ा था, इसलिए हमने भी एक बड़ी तैयारी शुरू की। हम यहाँ पर एक नई चीज आज हम करने की कोशिश कर रहे हैं। रश्मि, हम क्या करेंगे? हम माउंट करने वाले हैं GoPro अपने बॉडी पे। ये देखने में तो बहुत छोटा है, कैमरा देखने से लगता है बहुत छोटा है, लेकिन हमें इसका वाइड वीडियो मिलता है, वाइड रेंज में जाती है वीडियो। ज़्यादातर जैसे कैमरे होते हैं फोकस ज़्यादा नहीं कर पाते, तो ये वाइड एंगल पे हमें वीडियो देता है। और हमारे हाथों में इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, जब हम लोग फील्ड में होते हैं पॉसिबल नहीं है हर चीज़ हम हाथ पे लेके चले, तो ये हम अपनी बॉडी के साथ अटैच कर देंगे और जैसे जिस मूवमेंट में हम जाएंगे ये वीडियो कैप्चर करेगा। हमने अगला प्रयोग ठीक उसी जगह पर आजमाया जहां अनजान साए दिखाई देने के सैकड़ों दावे हो चुके हैं। रश्मि मेरे साथ हैं और सिद्धार्थ मेरे साथ हैं और हम लोग एक
सेशन यहाँ पर करेंगे। सिद्धार्थ हम क्या करेंगे? तो हमारे पास अभी फ़िलहाल 3 ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो EMF मेजर करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एक जगह की। तो फिलहाल अगर आप देखोगे यहाँ का एम्बियंट EMF काफ़ी लो है, और हम ये देखेंगे कि यहाँ अगर कोई ऐसी इंटेलिजेंट एनर्जीज है जो ये EMF फील्ड को मैनिपुलेट कर सकती है, बड़ा या कम कर सकती है, तो हम उसे इन्वाइट करके कोशिश करेंगे उनसे इस तरह से कम्युनिकेट करने के लिए, ये EMF फील्ड को मैनिपुलेट करने से। अच्छा, यहाँ पर रश्मि, बहुत बात कही गई कि किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, तो आपको लगता है कि अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा? हम कोशिश करके देख सकते हैं, तो वो तो फिर उसके बाद रिजल्ट देखने के बाद ही पता चलेगा। मेरा नाम है रश्मि और मैं यहाँ सिद्धार्थ के साथ आई हूँ। क्या कोई यहाँ आसपास में है जो हमें ऐसे अपने होने का एहसास दिला सकता है? हमारे सामने में गैजेट्स पड़े हैं, आप चाहो तो K2 की लाइट जला करके दिखा सकते हो। अभी स्टिल एक लाइट जल रही है, क्या आप दूसरी या तीसरी बत्ती जला के दिखा सकते हैं? लेकिन इससे पहले कि ये प्रयोग पूरा होता, हमारे वॉकी टॉकी पर एक इमरजेंसी संदेश आया। इन्वेस्टिगेशन टीम के सदस्य रजत को ऐसा लगा जैसे कोई शख्स उन्हें छू कर गुजरा। उधर देख रहा था पर मेरे को पीछे से अपने फील हुआ है कि मेरे को कोई हाथ लगा के गया। अच्छा, जब आप लोग जब ये कैमरा नंबर 3 में थे, फर्स्ट रूम, ये सेकंड रूम में, कहाँ जब हम लोग आप लोग यहाँ थे ना जब, हाँ तब जस्ट जब आप लोग बैठे हुए थे, हाँ, तब की बात है। ठंड भी लगी थी क्या? ठंड तो वैसे है भी और लग रही है। अच्छा ठीक है, तो अगर रजत के साथ ऐसा हुआ है, देखिए ये तो इसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूँ कि अगर ऐसी जगह पे किसी के साथ ये फीलिंग आ जाती है। हो सकता है रजत के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ वहम हो, लेकिन ये घटना इशारा थी कि रात गहराने के साथ हमारा सामना ऐसी कई चुनौतियों से होने वाला है। लेकिन इन कहानियों की हकीकत और फसाने की तलाश के लिए हम भी तैयार थे। आधी हकीकत आधा फसाना। लंबी देहर माइन में अब तक हम आधे सच की तलाश कर पाए थे। दिल कह रहा था कि वो डरावनी कहानियां सिर्फ लोगों का वहम है, लेकिन मशीनें कह रही थीं कि यहां कोई अजनबी ऊर्जा भी मौजूद है। पूरा सच तलाशने के लिए हमें कुछ और प्रयोग करने पड़े, कुछ ऐसे प्रयोग जिनका अंजाम हमारी टीम भी नहीं जानती थी। कम इन अगेन, मुझे छूके गया। छूके गया? मैं टाइम नोट नहीं किया, मैं उधर देख रहा था पर मेरे को पीछे से अपने फील हुआ है कि मेरे को कोई हाथ लगा के गया। पैरानॉर्मल टीम के सदस्य रजत को यह एहसास हुआ कि जैसे उन्हें किसी ने छुआ हो। अगर रजत के साथ ऐसा हुआ है, देखिए ये तो इसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूँ। हमारे सामने ये घटना पहेली बनकर खड़ी थी। लेकिन तभी CCTV कैमरे पर फिर एक हरकत हुई। यहाँ पर जैसे अभी रजत के साथ हुआ। हाँ। अभी आप इस रूम में कोई नहीं है, लाइट जल रही है। ये टाइम है 21:08। ये लाइट तो लगातार चल रही है। वो चलने के बाद कुछ देर बाद बंद होती है। हाँ। पर वो तभी जलेगी जब उसके सामने से कोई जाएगा या उसको कोई भी शेडो दिखेगी तब जलेगा, पर इस टाइम पे हम सब यहाँ हैं और वहाँ कोई नहीं है। हमने उस CCTV कैमरे की तस्वीरों को खंगाला तो वाकई वहाँ मोशन सेंसर की लाइट जली थी। इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक ये मोशन सेंसर तभी जलता है जब इसके सामने से कोई गुजरा हो।
हालांकि इस बात का फिलहाल कोई प्रमाण नहीं था कि क्या ये सब कुछ किसी अनजान साये ने किया, क्योंकि इस मशीन के जलने की कई दूसरी वजह भी हो सकती हैं। इससे पहले कि हमारी पड़ताल आगे बढ़ती, हमारे साथ एक और घटना हुई और हमारे स्पेक्ट्रम कैमरे की फुल बैटरी अचानक खत्म हो गई। अगर आपके अंदर इतनी इंटेलिजेंस है तो आपको शायद पता लग ही गया होगा कि यहाँ हम कितने लोग हैं और यहाँ क्यों आए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ कोई है जो हमसे इंटरेस्टेड है बात करने में। बैटरी ड्रेन हुई क्या? सी बैटरी ड्रेन हुई इसकी? नहीं, कुछ आवाज़ आई थी ना। बैटरी ड्रेन होने की आवाज़? बैटरी ड्रेन हुई है। तो ये बैटरी तो फुल थी? हाँ, बैटरी फुल थी। बैटरी का ड्रेन होना एक बहुत ही कॉमन फेनोमेना है ऐसी जगहों पे। क्या हमारे सिवा यहाँ कोई और मौजूद है? जैसा कि आपने देखा भी, तीन स्पाइक आई थी। आप नीचे दिखाइए। आप कोशिश कर रहे हैं कम्युनिकेट करने का, तो आप इस तरीके से कोशिश कीजिए कम्युनिकेशन की। और मैंने आपके लिए एक EMF पंप भी रखा है जिससे आपको एनर्जी मिल जाएगी। ये देखिए, फिर से जलिए। यस, फिर से जलिए, फिर से जलिए। राज के मुताबिक ये सब कुछ सबूत थे कि लंबी देहर माइन में कोई साया नहीं, मगर कोई ऊर्जा जरूर है। इस पड़ताल के बाद हमने वहां लगाए गए CCTV कैमरे को खंगालना शुरू किया। राज, ये देख रहे हैं आप? हाँ हाँ। ये जो इस तरह के ये डॉट डॉट्स चमक रहे हैं, हाँ। क्या हो सकता है ये? मुझे एक बार जाकर वहां कुछ वेरीफाई करना पड़ेगा। स्क्रीन पर चमक रहे इस पैटर्न ने एक शक पैदा किया और इसकी तसल्ली के लिए टीम दोबारा खंडहर के उस हिस्से में पहुंची। तो ये IR कैमरा यहाँ पर है और हमको एक वहाँ गेट के पास दिखाई दिया था। वो इतनी दूर मैं आपको शायद दिखाई ना दी, लेकिन मैं एक बार खुद जाके वहाँ चेक करना चाहता हूँ कि क्या चमक रहा। ये छोटे छोटे कीड़े हैं। खंडहर के लगभग सभी हिस्सों की पड़ताल के बाद हमने पूरी रात यहाँ बिताने का फैसला किया। इस पड़ताल में हमारे साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं जरूर हुई, कई बार मशीनों में हरकतें भी हुई, कई बार किसी ऊर्जा की मौजूदगी का संकेत भी मिला, लेकिन ये सब कुछ न किसी भूत प्रेत का सबूत था, न ही किसी रूहानी ताकत का। इस खंडहर में जिन आवाजों के दावे किए जाते हैं, वैसी कोई आवाज हमें सुनाई नहीं दी। लंबी धार माइंस के बारे में जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे कतई अंदाजा नहीं था कि यहाँ जो एहसास होगा वो इतना ज्यादा चौंकाने वाला होगा। लेकिन एक बात तब भी है, 20 साल से जो जगह वीरान पड़ी हो, 20 सालों में जिसके बारे में लोगों ने हजारों किस्से सुने और सुनाए हों, उस रहस्य को हल करने के लिए शायद एक रात काफ़ी नहीं होती। हमने अपनी तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश की जो हम कर सकते थे। हमारे साथ पैरानॉर्मल टीम मौजूद थी, उन लोगों ने भी हर तरह से हर साइंटिफिक एविडेंस को जुटाने की कोशिश की। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिन्हें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनको हम चाहकर भी शायद कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फैसला आपके हाथ में है कि आप इसे हकीकत माने या फसाना, या फिर आधी हकीकत आधा फसाना। कैमरामैन दिनेश देवरी के साथ सैयद सुहेल, IBN 7। विज्ञान ऊर्जा को मानता है, किसी भूत प्रेत को नहीं। लंबी देहर माइन में हमें ऊर्जा जरूर मिली, लेकिन हमारे साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा हमने सुना था। शायद यही थी इस जगह की आधी हकीकत और आधा फसाना। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत आधा फसाना।